रूस और चीन ने मिलकर शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया। चीन और रूस का ये मेल अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाला है। और प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समुद्र है। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका की लंबी सीमा रेखा प्रशांत महासागर से जुड़ी हुई है। और बड़ी खबर यह है कि चीन ने अपने परमाणु बम को लेकर एक नया बदलाव करने का फैसला किया है। चीन की सेना कहां चली? पीएलए के इस मूवमेंट से दुनिया क्यों डरी? क्या ये किसी नए युद्ध का आगाज है? क्या यूक्रेन युद्ध के साथ ही एक बहुत बड़े युद्ध का प्लान तैयार हो गया है? क्या नीले समंदर को खून से लाल करने वाली है चीन की सेना? चीन की सेना के ये कदम तब और खतरनाक हो जाते हैं जब ये पता चलता है कि इस मूवमेंट में रूस की सेना भी शामिल है। ना सिर्फ शामिल है बल्कि बराबर के हिस्सेदार है। क्या रूस और चीन के बीच एक बहुत बड़े वॉर प्लान का फाइल ट्रांसफर हुआ है? क्या पुतिन ने यूक्रेन में जो किया उसकी सबसे बड़ी स्टडी शी जिनपिंग ने कर ली है? यूक्रेन पर जिस तरह रूस बमबारी कर रहा है वैसे ही चीन ताइवान के साथ करने वाला है। क्या पुतिन को कॉपी कर जिनपिंग ने एक बहुत बड़ा प्लान बना लिया है? क्योंकि रूस और चीन ने एक साथ प्रशांत महासागर में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। प्रशांत महासागर में ये ज्वाइंट पेट्रोलिंग सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती है। प्रशांत महासागर में हो रही इस ज्वाइंट पेट्रोलिंग का वीडियो पेंटागन में जरूर देखा जा रहा होगा। पेट्रोलिंग का वीडियो नंबर एक। पेट्रोलिंग का वीडियो नंबर दो। पेट्रोलिंग का वीडियो नंबर तीन। पेट्रोलिंग का वीडियो नंबर चार। पेट्रोलिंग का वीडियो नंबर पांच। रूस और चीन के जंगी जहाज इस वक्त प्रशांत महासागर के बड़े हिस्से में घूम रहे हैं। विदेशी मीडिया में दावा किया गया है कि रूस और चीन अब प्रशांत महासागर में अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन चीन और रूस का दावा है कि उनकी नौसेना इलाके में शांति चाहती है और ये पेट्रोलिंग प्रशांत इलाके में शांति के लिए हो रही है। लेकिन रूस और चीन को लेकर अमेरिका के अलावा जापान भी बहुत घबराया हुआ है। इस वक्त ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में पहले से तनाव है और रूस का खुल्लम खुल्ला चीन के साथ पेट्रोलिंग करना यह अमेरिका की नौसेना को बड़े चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। दावे के मुताबिक प्रशांत महासागर सबसे बड़े युद्ध का जल अखाड़ा बना हुआ है। प्रशांत महासागर में अलग अलग मोर्चों पर दुनिया के 6 ताकतवर देश अपनी ताकत की आजमाइश करते रहते हैं। प्रशांत महासागर में न्यूक्लियर वॉर का एक ऐसा हेक्सागन बना हुआ है जिसे देख दुनिया का कोना कोना सहमा हुआ है। इस न्यूक्लियर हेक्सागन का पहला देश है रूस, दूसरा है चीन, तीसरा उत्तर कोरिया है, चौथा देश अमेरिका है, जापान पांचवां देश है और छठा देश है दक्षिण कोरिया। प्रशांत महासागर में एक साथ 3 मोर्चे पर युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। बहुत बड़े युद्ध की तैयारी, परमाणु युद्ध की तैयारी। उस तैयारी में परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी और युद्धपोत समंदर के अंदर अपनी विनाश लीला का ट्रेलर दिखा चुके हैं। परमाणु मिसाइलों से लोडेड पनडुब्बियां मौजूद हैं। परमाणु हमला करने वाले युद्धपोत शांत समंदर में अनजाने युद्ध का शोर मचाते रहते हैं।